अरे पूजा भाग, कैंपस में देखते रह क्या हाल करता हूँ। अबे गिलहरी जैसा प्रार्थना करेंगे। कितनी बारिश हुई है, बॉम्ब का पूरा खजाना लेके चलो जलाओ जल्दी से। गिनी देख लो तुम्हारा दोस्त बारिश के बीच में। आप ना सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो रेड वाला बटन आपको दिख रहा है ना उस पर टैप कर दो। बिना बोले तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हमारे वीडियो को देखो। किधर है सुअर, किधर गया सुअर, कहाँ गया सुअर? अब भी यहाँ पे इतना सारा सुअर है, बच्चा। देखो वहाँ पे खुदबुद कर रहे हैं। चूहे के साइज का सुअर आया था। अभी देखो इधर ही कहीं खरखर कर रहा है। मंगल तू सुअर जैसा आवाज निकाल ले, खा जाएगा। यही है। अरे साले तू अभी घुस गया ना दोबारा कैंपस में, देख तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना बड़ा मुंह निकाल के जो दौड़ रहा है, देख देख उसका बच्चा आगे आगे भाग रहा है। अंदर घुस फिर बताता हूँ। आजा मार दे। अबे गिलहरी जैसा बच्चा नहीं है उसका, देखो कैसा छोटा बच्चा है, गिलहरी जैसा। आइए आपके लिए भोजन लगाए हैं। आइए दलदल तैयार किए आपके लिए, आइए। हाँ इधर देख रहा है, देख। तो देखो गिन्नी यहाँ पे आ चुकी है सुअर का शो देखने के लिए, और साथ ही साथ पास्ता लेके आई है। अरे भागो मत यार, बस एक बार तू खुद से खिला दे। खिला दो मुँह में खिला दो ना भाई। देखो सुअर जा रहा है, उसी को दे दूंगा, नहीं तो देखो तुम्हारे पीछे सुअर जा रहा है। गिनी देख लो तुम्हारा दोस्त, वो तो तुम हो ना, वो तो तुम ही हो, तुम्हारा जुड़वा भाई उधर है ना। गिनी की शादी होगी तो गिनी के ससुर जी ऐसे ही होंगे। जिस बच्चे का मैंने कच्चा धोया है वो मुझे दो पास्ता नहीं खिला रहा है, क्या दिन आ गए। हे भगवान, पूजा तुम्हारी भी शादी के बाद ससुर जी तुम्हारे ऐसे ही होंगे, वो सुअर जैसे। किसी का सौभाग्य कहा कि वो मेरा ससुर बने। मंगल बोलता है तो उसी डायलॉग का मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये मेरा डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है। मंगल बोलता है किसी का भी ससुर ऐसा ही दिखेगा। हाँ हम लोगों के ससुर की कल्पना करता है मंगल। हाँ भाई ये मेरा लाइन नहीं है तो कृपया मुझे कुछ ना बोले। तो देखा हमने चाहे कितना भी बम फोड़ लिया ये सुअर लोग माने नहीं भाई, ये अपना एकदम सब कुछ इग्नोर करके अपने काम में लग गए हैं। सुनना ऐसा दलदल बनाते हैं ना कि आने के बाद वो हमारे आया फिर आ गया रे। हम लोग यहाँ पे खड़े होके इंतजार किए और सुअर ने हमको धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, हम तेरा रात तक इंतजार करेंगे। आ जा। कोई बात नहीं पूजा, थोड़ा इंतजार करो, रात में वापिस आते हैं, अब देखना पक्का सुअर आएगा। तो अभी सुअर लोगों का इंतजार करते करते ना रात का 10 बज गया और अभी तक सुअर लोगों का कोई खबर नहीं है। इधर मैदान पूरा साफ है, थोड़ा देर और रुक के देखते हैं। अभी ऐसा लगा मुझे कि इधर पांडा, बाप रे बाप, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया यार, ये क्या कर दिया पांडा तूने भाई, मेरा पूरा गूज बम्प हो गया यार। इधर देखो, इधर दिख नहीं रहा है लेकिन मेरा भाई, मुझे ना अभी बहुत तेज डर लगा क्योंकि मैं उधर यही सोच के आ रहा था कि मुझे लगा सुअर है, और अचानक से ये मैं एकदम रुक सा गया, पूरा गूज बम्प हो गया मेरा। भाग, देखो पूरा गूज बम्प हो गया, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सच में हुआ है। पांडा ने आज मुझे बहुत बुरा डरा दिया, मैं तो यही अभी बेहोश हो जाता। रूम में भाग, मुझे सुअर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है। अंदर जा तू, तेरे सुअर ही जैसा दिख रहा है आजकल, भाग अंदर, मोटा कहीं का, अंदर जा। सच में पांडा और सुअर को साथ में रखो ना तो दोनों इक्वल दिखते हैं, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो गया। तो हमको अभी ऐसा लगा कि सुअर आ चुका है लेकिन हम लोग गलत साबित हो गए। सुअर नहीं आया है यार अभी भी, क्लियर है भाई, चारों तरफ क्लियर है। वहां पे कुछ चमक रहा है, मुझे लग रहा है कि आया है, जुगनू है यार, वो भी चमक रहा है ना, और सुअर का आंख भी चमकता है तो मुझे लगा कि उसका आंख है। आज ना हमारा फुल प्लान है कि आज सुअर को परमानेंट भगा देंगे घर से। तो मंगल आ चुका है यहाँ पे बॉम्ब का पूरा खजाना लेके, आज तो सुअर लोग रहेंगे या तो हम ही रहेंगे घर पे, आज देखना यही होगा। यहाँ पे देखो छोटा मोटा बॉम्ब है, मतलब ये तो खैर खाली आग जलता है, इसमें बॉम्ब नहीं है।
आओ बुझाओ, आओ तुम भी आओ, एक तुम्हारा ही कमी था बस तुम भी आ गई। अरे सुअर भैया अभी तक नहीं आए हैं यार, हम सुने भी खड़खड़ हो रहा था, खड़खड़ हो रहा है लेकिन जाने से कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो सुअर है ही नहीं वहाँ पे। मंगल पूरा तैयारी कर रहा है सुअर के भगाने का, हमारा प्लान है ना कि आज परमानेंट सुअर को आउट कर देंगे, नहीं तो हम ही आउट हो जाएंगे। भाई दौड़ा दौड़ा के मारेगा सुअर तुमको, लोग बचाने नहीं आएंगे सोचने। अरे सुअर कुछ नहीं करेगा भाई, वो देखना डर से भागेगा, वो आग से डरता है ना। तुम लाइट क्यों जला रहे हो चेहरे पे? तैयारी हो गया एकदम। तो देखो हमारा तैयारी कुछ इस तरह हो रहा है, फुलझड़ी एकदम जला दिया है हम लोगों ने। तो काफी वक्त हो गया सुअर का इंतजार करते करते, अभी सुअर तो नहीं आया। तो जो हम लोगों ने ये बॉम्ब बनाया है सुअर के लिए, वो हम लोग अपने में ही मस्ती करके फोड़ देंगे, क्योंकि आएगा नहीं तब तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना इस्तेमाल। ले चला। तो चलिए पूजा मैडम भी आ चुकी हैं आज के हमारे छोटे से मस्ती में, पूजा मैडम भी शामिल हो चुकी हैं। आज दिवाली मनाएंगे, छोटा सा दिवाली, छोटी दिवाली। सुअर ना दिन में देखा था, इधर ही था लेकिन अभी इधर दिख नहीं रहा है। तो मित्रों पूजा पांडे के हाथ से पटाखा ज्वलन प्रक्रिया चालू हो रहा है, चलो जलाओ जल्दी से, देखना ये मुंह में घुसा देगा मंगल। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत डेंजर आदमी है। अरे जलाओ भाई जल्दी। ना भाई हम नहीं जलाएंगे, चल हट। चला चला नहीं करेगा कुछ यार, रंग दे दो। अरे आओ भाई, कुछ नहीं करेगा, मजाक कर रहा था मैं, चलो कुछ नहीं करेगा। तुम डंडा रख के वहां से हटो भाई, भरोसा करना पड़ेगा, पटाखा वाला जमाना गया, पहले हम लोग किया करते थे अब नहीं करते हैं ये सब हरकत, बेवकूफियत। जलाओ प्यार से, जलाओ इधर मुंह में। अरे पास से आके चला जाओ। अरे वो उधर करके फोड़ेगा भाई ताकि सुअर लोग आसपास हो तो भाग जाएं। पूजा ज्यादा देर तक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं जलेगा वो। हाँ इधर लाइट, इधर लाइट दिखेगा। अरे जा नजदीक, जा नजदीक जा, तभी तो एंजॉय करोगी। अरे पूजा भाग रहे, भाग। पूजा पूजा को भगा दिया भाई डरा के। पूजा डर गई ना, देखा मंगल का प्लान। अबे भाग, इसको फेंक भाई नहीं तो ये फट फट जाता है। ओ ये देख आग का गोला, शिवम आग का गोला, बहुत बड़ा सा आग का गोला। ये देखो कितना बड़ा सा है आग का गोला, जो कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखो वीडियो में लाइट में समझ में आ रहा है। ऐसे देखो भाई नजदीक जा रहा हूँ इसके, ये फटफट गया तो पागल हो गया। चलो तो आज हम लोगों को सुअर भाई ने धोखा दे दिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर के अंदर। कहाँ आ गया मुझे पता ही नहीं आया है। ये भी लड़की आ गई, अबे जब पटाखा फूट गया तब क्या आ रही हो, अबे पहले आना था ना। तुम्हारा मित्र नहीं आया अभी तक ससुर जी, तुम्हारे और गिन्नी पूजा के ससुर जी नहीं आए अभी तक। मंगल बोलता है भाई ये, मैं नहीं बोलता। क्या ससुर जी बोलते हो ना तुम, पूजा के और गिन्नी के ससुर जी हैं। हाँ। सुअर भाई साहब। हाँ, और जब हम लोग पटना जाते हैं तो रास्ते में जो सास भी इन दोनों की दिखती है, पेट पे बैठी रहती है। अगली बार पटना जाएंगे ना तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो ससुर ससुर कर रहा है ना, मैं इसके ससुर और सास का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसको चाह के भी उनसे उतना प्यार नहीं होगा, लेकिन इसके बेटा बेटी का नाम लूंगी। ये देखो तुम्हारा बेटा जा रहा है तो अभी होगा नाम लेना। हाँ, इसका बेटा मेरा भतीजा भतीजी होगा, ठीक है, हमको पैसा नहीं चाहिए। मेरा ससुर को क्या घसीट रहा है, क्या जो भी हो। अरे बाप रे, नाम ना पहचान ना कोई, ससुर अभी तक कोई है भी नहीं। नहीं है फिर भी, मेरे 10 साल 15 साल बाद होगा, उसके उस बात के लिए अभी तुमको तड़प। क्यों ना हो। अरे बाप रे क्यों ना हो, मेरी माँ ने शिक्षा दी। जाओ पढ़ लिखो, आईएएस वाईएस बनो। भगवान हम भगवान आईएएस बन जाए, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे। सुनो सुनो, हम ना भगवान से प्रार्थना करेंगे। जान बुझ के किया ये हरकत, रात 11 बजे भी इस लड़के को चैन नहीं है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि गिन्नी के ससुर का शकल ऐसा हो कि गिन्नी हर रोज सुबह उठे और उसका मुंह देख के गिन्नी का मूड खराब हो जाए, इतना खराब भी हो सकता है। क्या बोल रहे रे? यही तो कह रहे हैं हम। तो घबराओ मत मंगल, तुम्हारा सपना सच होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पापा के बारे में ऐसा बोलेगी कैसा लगेगा? क्योंकि मैं, अरे हमारे पापा तो भाई ऋषि कपूर है भाई, ऋषि कपूर। हाँ भाई हमारे पापा बहुत डैशिंग है। किसी और के पापा सोनम कपूर। राजपाल मेरा फेवरेट है, उसके बारे में कुछ बोलोगे तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। भाई हम तो मिलना चाहती थी जिंदगी में, एक ही सपना, एक ही आदमी की फैन हूँ मैं, राजपाल जी की। बाप रे बाप। नहीं नहीं, पहले मैं थी ओमपुरी, मैं पहले थी ओमपुरी, और ओमपुरी जी तो अब
रहे, लेकिन अब उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई हूँ राजपाल यादव। अभी राजपाल से हम लोग मिलेंगे, देखना अभी हम लोग व्लॉग में बोल रहे हैं। मेरा एक ही फेवरेट एक्टर है हाका, हाका के अलावा मुझे कोई और पसंद नहीं। ये शिव जानता है, वो हाका मर गया, हाका मर गया मालूम है मुझे। अरे वो भागम भाग में नहीं है, भागम भाग नहीं, भूल भूले पता नहीं कौन से मूवी में। हाँ भागम भाग में। हाँ भाई तुम लोग बेफालतू में लोग दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। अरे हम लोग जैसा घर में नॉर्मल रहते हैं ना, वही वाला चेहरा हमको अभी हमारा अभी दिख रहा है आपके सामने, कुछ भी बात कर रहे हैं और टॉपिक उठ के कहीं से कहीं चला जा रहा है। चलो भाई घर के अंदर चलो, बहुत हो गया, सुअर तो आया नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं। तो देखो अभी रात का 11 बज चुका है, तो अभी चलते हैं सोने और आपसे मिलते हैं सीधा कल सुबह में। गुड मॉर्निंग, तो आप देख सकते हो कि सुबह हो चुका है, वापस से हल्की हल्की बारिश हो रही है। इधर देखो, शायद दिख तो नहीं रहा होगा, ये बारिश हल्की हल्की लगभग 2 दिनों से हो रही है। देखो पानी में बारिश की बूंदें गिर रही हैं, इसको देख के समझ सकते हो। और यहाँ पे मेरा चाय रखा हुआ है, इसके अंदर भी बारिश का बूंद आया है कभी। तो यहाँ पे ना बारिश के बीच में घूम घूम के चाय पी रहे हैं और हर 2 सेकंड में ना बारिश का बूंद मेरे चाय में गिर रहा है। यहाँ पे हम लोग कल खड़े होके बहुत देर तक सुअर का इंतजार किए, लेकिन सुअर ने हमको धोखा दे दिया, सुअर आया ही नहीं। वैसे अभी सुबह का 7 बज रहा है और मेरे अलावा कोई नहीं उठा हुआ है। आधे घंटे के इंतजार के बाद ये लड़की उठ गई, और ये लड़की इतनी अपने मन की मालिक है कि देखो भाई बारिश के बीच में ये ब्रश कर रही है, वो भी छाता लेके। देखो बारिश का स्पीड अच्छा खासा है, अभी इन बच्चों को लग नहीं रहा है, लेकिन देखो मेरे पीछे पीछे आ गए दोनों, उसको देखो दिख गया है कुछ। पूजा एकदम अपने मन की मालिक है, इसका जो दिल करता है वही करती है। नहीं मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह इधर घूमूं टहलूं। पूजा ना हर कीमत पे ब्रश इधर ही करती है, इसी एरिया में करती है, ये घर के अंदर या आंगन वांगन में नहीं करती है। तुम्हारा नमक नहीं है आज? नहीं, दांत अच्छा। गिर जाएगा, बुड्ढी हो जाऊंगी जल्दी, कभी कभार। अच्छा सरसों तेल और नमक से ब्रश कभी कभार किया करते हैं। देखो सुबह हुआ और पांडा उसी जगह पे पहुंच गया। पांडा पांडा इधर आओ, इधर आओ। कल बहुत गंदा बदबू मार रहा था ये लड़का, कीचड़ में लिपट के आया था, रात को 12 बजे की बात है। ए अंदर चल, पूरा रूम बदबू फैला दिया था, चल चल अंदर, चल भाग अंदर भाग, नहीं तो मारूंगा, कीचड़ में घुस गया ना तू मोटे। तुमको क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? योटो योटो आओ। हाँ भाई तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है भाई, बारिश में भीग भीग के ना ये लोग गिन्नी पांडे का काम बढ़ा देंगे, गिन्नी बेचारी का हालत खराब हो जाएगा। चल अंदर भाग बुड्ढे, बुड्ढे अंदर अंदर जाओ। तो अभी बारिश का स्पीड अच्छा खासा हो गया है, लेकिन बूंदे बड़ी हैं, लेकिन गैप पे बारिश हो रहा है, मतलब बारिश का जो ड्रॉप है ना वो बहुत सारा नहीं गिर रहा है, बहुत ही डिस्टेंस पे गिर रहा है, इसलिए हम लोग भीग नहीं रहे हैं, लेकिन 5 मिनट में भीग जाएंगे भाई, इतना भी कम बारिश नहीं है। देखो पूजा वहां पे ब्रश कर रही है, और तू मेरे पास क्यों बैठ गया? अच्छा तू फिर आ गया, हे भगवान ये दोनों आ गए यार। क्या अंदर जाओ, अब तो बेटा जाना ही पड़ेगा, मेरे पीछे मत आओ, मैं बचाऊंगा नहीं। गया जब तक दौड़ ना लगाओ ना इन लोगों के पीछे, चप्पल ओप्पल लेके तब तक नहीं मानता है। तो हमारे लिए कल एक गिफ्ट आया था जिसको हम लोग खोलना भूल गए आपके सामने, तो अभी चलते हैं और उस गिफ्ट को लाते हैं और आपके सामने खोलते हैं। तेरे दो निकालने दो, सबसे पहले देखो इस बॉक्स के ऊपर ना मेरा और मंगल का नाम लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर शिवम एंड मंगल फॉर योर ट्रिप। ठीक से देखो मेरा भी नाम होगा। नहीं, जो हमारा ट्रिप होने वाला है ना उसी से रिलेटेड कुछ गिफ्ट है इसके अंदर। इसके अंदर गॉगल है भाई, अरे हाय मस्त वाला गॉगल है, तुम्हारे शक्ल से अच्छा नहीं लगेगा। अंधा लग रहे हो? अंधा लग रहा हूँ? तुम भाई ने जिन्होंने भेजा है ना जानबूझ के भेजा है, उन्होंने तुम्हारा मतलब तुम्हारा नाम लिखा है और मेरे पे अच्छा लगने वाला गॉगल भेजा है। देखो अरे लगा के इधर देखो, कैमरे में उतार दिए, लगाता हूँ एक बार और। तुम तो आंटी लग रही हो, तुम कौन सा जवान छोकरा लग, नहीं लग रही है क्या भाई आंटी? कमेंट करके बताओ, इसका गलत फहमी दूर करो, ला इधर दो। अब एक बार मेरा देखो, वाह तुम तो अंकल के नहीं अंकल के दोस्त लग रहे हो। तो ये तोहफा भेजा है जैस्मिन पिंटो जी ने, जो कि लगातार हमारे लिए कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, जिन्होंने तो पौधा भी भेजा था।
हाँ वो पौधा भी उन्होंने ही भेजा था, वो ईयरबड भी उन्होंने भेजा था। हाँ तो इस तोहफे के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ मेघालय ट्रिप में ये बहुत यूज होने वाला है, मजा बहुत आएगा। तो अभी भी बारिश हो रहा है, सुबह सुबह तोहफा देख के मेरा तो दिल खुश हो गया यार, मजा आ गया। और इस बारिश को देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम मेघालय वाला सब कुछ चल रहा है भाई, मेघालय ना यहाँ घुस गया है हमारे यहाँ। अब मेरा मन जो है ना यहाँ की बारिश से वो हो गया है, खी गया है, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ। हाँ इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश 24 घंटे 3-4 दिनों से पूरा, देखो असम वाइब आ गया आपको। लेकिन हमारा के खेत में जा रही है देख देख। लेकिन हमारा मकसद खाली बारिश थोड़ी है मेघालय जाने का, और भी वहाँ की वादियाँ हैं। तो चलो बारिश में ना थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। ये लोग तो भाई ब्रश वश करके चले गए, मतलब जा रहे हैं। अरे तुम आ गई, चलो चलो घूमते हैं, आ जाओ। यस यस, बस तुम भिगा मत देना मुझे हमेशा। अरे मैं क्यों भिगाऊंगा भाई, मंगल भिगाता है, मैं नहीं। इस मौसम का मजा ही अलग है, सब मौसम का मजा अलग है। भीगने का डर रहता है लेकिन मौसम इतना साफ सुंदर, हवाएं चलती हैं कि घूमने का मन करता है बस। चलो भाई एक बार रोड पे नजर मार लेते हैं, सड़क का हाल देखो, सामने कोई नहीं है। नहीं कौन बोला, मैं हूँ। अब इधर कोई नहीं है, यहाँ हो तुम, बीच में हो। राहगीर है जो ब्रश कर रहा है। बीच में हो ना तुम, अगल बगल नहीं हो। देखो एक साइकिल वाले भैया आ गए। इतनी बारिश हुई है कल रात से, कोई नजर इसीलिए नहीं आ रहा है। सब जगह कीचड़ हो गया होगा ना जहाँ रोड नहीं है। अगर ये रोड नहीं बना होता तो हमारे घर के आगे ये सब पानी लगा होता, भयंकर नदी बनी होती। तो चलो अब चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि इस बारिश में ज्यादा देर रहेंगे तो गीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बचे रह जाएंगे। और अब वैसे बारिश थोड़ा तेज भी हो चुका है, तो चलो चलते हैं घर के अंदर। तो बारिश से बच के हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर, और इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, हमेशा की तरह, ठीक है। तो आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।